साल 1915 में मध्य प्रदेश के शहडोल में पहली बार व्हाइट टाइगर को देखा गया। इस व्हाइट टाइगर को तब की रीवा रियासत के राजा गुलाब सिंह ने पकड़ा और इसे अपने साथ रीवा ले गए। इस रेयर प्रजाति की वृद्धि के लिए गुलाब सिंह ने कई ब्रीडिंग प्रोग्राम भी किए, लेकिन इनके सारे के सारे प्रयास विफल रहे। 1920 में जब इस व्हाइट टाइगर की अचानक मौत हो गई, तब इस व्हाइट टाइगर की स्टफिंग कराकर गुलाब सिंह ने इसे तब के ब्रिटेन के किंग जॉर्ज पंचम को गिफ्ट कर दिया। फिर साल 1951 में रीवा नरेश मारतंड सिंह ने सीधी के जंगलों से एक व्हाइट टाइगर को पकड़ा और इसे नाम दिया मोहन। रीवा नरेश मोहन को गोविंदगढ़ के किले में शिफ्ट कर देते हैं और आज विश्व में जितने भी व्हाइट टाइगर हैं, वे सभी के सभी मोहन के ही वंशज हैं।